दर्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव अभी 2025 में होना है, लेकिन निर्वाचन आयोग अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गई है और लगातार सर्वे करा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटों में गिरावट आई, इसको लेकर अब निर्वाचन आयोग सर्वे करा रही है। और अब सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग बूथों की संख्या बढ़ाएगी या बूथों की जगह में अदला बदली करेगी, क्या कुछ सर्वे में निकलकर सामने आया है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, लेकिन निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मतदान पुनर्निरीक्षण का कार्य महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या इसी सूची के आधार पर तय होगी। बड़ी संभावना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ बदले जाएंगे, नए भी बनाए जा सकते हैं। आयोग 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट मानकर मतदान सूची तैयार कर रहा है, यानी 1 जनवरी को जो 18 साल के हो जाएंगे उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को बीएलओ के साथ नियमित बैठक कर लगातार समीक्षा का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक और सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों का अध्ययन गयन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी कि ईआरओ और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एईआरओ कर रहे हैं। इनका काम उन कारणों का पता लगाना है जिससे कम वोटिंग हुई। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे कम और सबसे अधिक मतदान वाले बूथों को चिन्हित कर सर्वे किया जा रहा है। ऐसे बूथों पर रिपोर्ट के आधार पर विशेष कार्रवाई होगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर वोटों में गिरावट आई है वो काराकाट, जहानाबाद, हाजीपुर, सासाराम, बक्सर, नालंदा, पटना साहिब, वैशाली और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र था। और सबसे अधिक वोटिंग जिस लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, बूथ पर हुआ है, वो है नवादा, बांका, जमुई, कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज, गोपालगंज, औरंगाबाद और गया। केसी को लेकर अब निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधारने का काम दो चरणों में करने वाली है। पहला चरण 20 अगस्त से शुरू हुआ है, 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सभी बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर मतदान का सत्यापन, मतदान केंद्रों को चिन्हित करने, एपिक में गड़बड़ियों को दूर करने के साथ धुंधली तस्वीर में सुधार करना है। इसके तहत परिवार के सदस्यों का नाम एक ही प्रभाग में दर्ज करने, मतदाताओं की मतदान केंद्र से दूरी 2 किलोमीटर से कम रखने, मृत और दोहरीकरण प्रविष्टियों को हटाने, छूटे और भावी मतदाताओं का नाम जोड़ने सहित अन्य कार्रवाई होगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान हुए वोटों में गिरावट को देखते हुए चुनाव आयोग अभी से ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और किन किन बूथों पर वोटिंग कम हुई और किन किन बूथों पर ज्यादा वोटिंग हुई, इसको लेकर अब सर्वे भी करा रहे हैं और अभी से ही वोटर लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं कि किनका नाम जोड़ना है, कौन 18 साल से ऊपर का हो गया है और अभी किसका नाम वोटर लिस्ट से काटना है और वोटर लिस्ट में किन के नामों में सुधार करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ 24।